हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रिक्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलजेब्रा। एलजेब्रा में वो वाले क्वेश्चन जो सिंप्लीफाई से हो सकते हैं सॉल्व, मतलब इजीली सिंपल सॉल्व करना है। इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगती है, पूरी ट्रिक नहीं है, थोड़ी सी ट्रिक है। तो आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि कैसे क्या सॉल्व करना है। एक बात और करते हैं अपन कि आज की वीडियो से मैंने दो चेंजेस करे हैं। पहला तो ये कि लास्ट में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, मतलब जो कि आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा, आपको उसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। और दूसरा जो चेंज है वो ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको डाउटफुल है या सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है इफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल जीरो देन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज। तो आप देखेंगे कि x प्लस वन अपॉन एक्स, ये जो है हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं ऐसे क्वेश्चन के, इससे अपन आगे कुछ भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर वो भी अपन बात करेंगे। तो हमको जो करना होता है इस इक्वेशन को सिंपली इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना होता है। तो अब ये करने के लिए आप देखें कि यहां पर x है लेकिन पावर जो है एक्स स्क्वायर में दी हुई है। सिंपल क्या करना है, इसी इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। पूरी इक्वेशन जो है एक्स से डिवाइड हो जाएगी। तो अब जब डिवाइड करेंगे तो एक एक चीज डिवाइड होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स इक्वल्स जीरो, ठीक है। सिंपल ये एक्स से स्क्वायर कट जाएगा, एक ही एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा और ये कहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, एज इट इज रहेगा, इक्वल जीरो। अब आप देखेंगे तो हमारे पास बचा एक्स माइनस फोर प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल जीरो। हमको जो क्वेश्चन में पूछा है, जो वैल्यू फाइंड करने को पूछा है हमसे, वो है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। बाकी जो अदर चीज जो बचती है हमारे पास इसके अलावा, उसको हम इक्वल्स के दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स, ये दो चीज हमसे पूछी है, इक्वल्स माइनस फोर, उधर जाके हो जाएगा प्लस का फोर यानी प्लस फोर। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम क्विकर मैक्स है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, मैंने ट्राई करी है, ये मैक्स की बेस्ट ऐप है। इसको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर क्विकर मैक्स टाइप करें और इसे इंस्टॉल करें। यह पूरी तरह फ्री है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसे ओपन करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसमें आपको पजल, टॉपिक वाइज क्विज, बेस्ट बुक फॉर एग्ज़ाम और भी कई चीज़ें मिलेगी। मैक्स ट्रिक्स में क्लिक करके आप इसमें टॉपिक वाइज ट्रिक्स, मोस्ट पॉपुलर ट्रिक्स, लेटेस्ट अपलोड ट्रिक्स मिलेगी और आप इस पर क्लिक करके यूट्यूब की बेस्ट मैक्स की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, जो कि है इफ एक्स इक्वल्स रूट टू प्लस वन का ये वन थर्ड है पावर, पावर जो वन थर्ड है ये कहलाती है क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब, चाहे तो आप क्यूब रूट लिख लें इसको या चाहे किसी की पावर वन थर्ड लिख लें, ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो कह रहा देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इससे घबराने वाली बात नहीं है कि ये अपनी पावर देख ली तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अपन को जो गिवन है वो गिवन है एक्स में, निकालना है एक्स क्यूब में। तो यहां तक समझ आ गया अगर आपको तो आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। हम इस एक्स को एक्स क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्स गिवन है हमको रूट टू प्लस वन की पावर वन थर्ड, तो हम क्यूब बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू, जब इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू प्लस वन की पावर वन थर्ड था, अब क्यूब करेंगे तो ये इंटू थ्री होगा, ये वन बाय थ्री था, ये वन बाय थ्री था और पावर क्यूब करने पे क्यूब बोथ साइड कराए तो इंटू थ्री हो जाएगा, तो ये थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स क्यूब जो आएगा वो आएगा रूट टू प्लस वन, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है वन अपॉन एक्स क्यूब, तो वो भी निकाल लेंगे अपन, वन अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा अपना, ये देखेंगे आप तो ये होगा, सॉरी ये हो जाएगा वन अपॉन रूट टू प्लस वन, तो ये आ गया एक्स क्यूब और वन अपॉन एक्स क्यूब। अब सिंपल हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब हमसे जो मांगा गया है वो पूछा गया है कि एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू व्हाट, तो हम क्या करेंगे एक्स क्यूब की वैल्यू रख देंगे। एक्स क्यूब की वैल्यू है टू रूट टू प्लस वन माइनस में वन अपॉन रूट टू प्लस वन, ठीक है।
अब इसको सिंपल सॉल्व करना है, एलसीएम ले लेंगे हम। इसका एलसीएम आएगा √2 + 1, ये हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब ये बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो उससे हम सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर हो गया यानी √2 का स्क्वायर 2 + b² 1 का स्क्वायर 1 + 2ab, यानी ए हुआ √2 एंड बी हुआ 1, -1 upon √2 + 1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए -1 से +1 तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा √2 अब √2 में से भी 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो अंदर बचेगा √1 + √2, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो होगा √2 + 1, इसको अपन √1 + √2 भी लिख सकते हैं। तो ये √1 + √2 से √1 + √2 कैंसिल आउट होके अपना आंसर जो आया वो आया 2, 2 इसका राइट आंसर है। तो ये हुआ इसका सिंपल फॉर्म इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2, अपन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अगर बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 2-3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ 2p + 1/p = 4 देन वैल्यू ऑफ p³ + 1/8p³ इज। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर आप इसका क्यूब बोथ साइड करते हैं तो ये आएगा 8p³, लेकिन अपन को 8p³ नहीं चाहिए के, नहीं देखिए इसने दे दिया 1/8p³। तो इसमें पहले आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ही चेंज करना पड़ेगा, वो कैसे हम देखते हैं। देखिए, अगर ये ऊपर वाले में दे रखा है तो यहां पर ही होना चाहिए, 2 का जो क्यूब करा है वो यहां पर 8 होना चाहिए, तभी ये सॉल्व हो सकता है। अब यहां पर नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 2p + 1/p = 4 जो है इसको हम कर देंगे डिवाइड बाय 2। ठीक है, पूरी इक्वेशन को, तो उससे क्या होगा, ये जब पूरा डिवाइड होगा तो ये 2p / 2 + 1/2p हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 2 होने से, एंड 4/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होके ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा p + 1/2p = 2। अब आप देखेंगे कि काफी इजी हो गया है। अब यहां पर नीचे है 2p, तो इसका क्यूब करने पे 8p भी नीचे ही आएगा। तो ये हुई एक बात। अब जो है इसको सिंपल सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड कर देंगे। अब क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये हो जाएगा a + b³। मैं लिख देता हूं एक बार, a³ + b³ + 3ab a+b। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। हम इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो जब क्यूब बोथ साइड करा अपन ने तो ये हो गया अपने पास 1/3p³² 2 का³। तो अब जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखिए ये a हो गया ये b हो गया, तो a + b³। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a³ + b³, तो a³ हो जाएगा p³ + 1/2³ होता है 8 एंड p³, जो कि हमको क्वेश्चन में चाहिए। मतलब ये चीज तो हमको फाइंड करनी है और ये वैल्यू उधर ले जाएंगे हम। पहले सॉल्व कर लेते हैं एक बार, 3 * a है p, b है 1/p एंड a+b, ये तो हुआ इसका पूरा फॉर्मूला। ठीक है, इक्वल्स जो दे रखा है वो 2 का³ दे रखा है, यानी वो हो गया सॉल्व होके 8। अब आप देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई में है तो पी से पी कैंसिल आउट, और ये पूरा p + 1/2p, यहां पर भी 2 आएगा, 2 लिखना भूल गया मैं, तो ये बचा 3/2 * p + 1/2p। इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है जो कि ये रही, p + 1/2p की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बचेगा p³ + 1/8p³ + 3/2 * इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2। हम p + 1/2p की जगह 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 = 8, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमको जो निकाला था वो वैल्यू आ गई है p + 1/8p³, यही तो फाइंड करना था अपन को, तो बाकी जो बचा हुआ है वो इक्वल्स के उधर ले जाए, तो 8 - 3 हो जाएगा उधर जाके, तो इक्वल्स जो आंसर आया अपना आया 5 आंसर, 5 इसका राइट आंसर है। तो ये काफी इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है इफ 3x + 1/2x = 6 देन वैल्यू ऑफ 8x³ + 1/27x³। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, इसमें भी जो है दोनों में वैल्यू दे दी है। अब आपको क्या देखना है कि ये और ये सेम होने चाहिए। अब देखिए यहां पे एक्स का क्या हो रहा है क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27, जो कि यहां पर ना होकर नीचे है,
और ये 2 का क्यूब होता है 8, जो कि नीचे ना होके ऊपर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये जो पूरी इक्वेशन है 3x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल्स 6, ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें हमको क्या करना होगा कि ऊपर से 3 हटा के 2 लाना है और नीचे से 2 हटा के 3 लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा रिवर्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 नीचे है तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, 3 ऊपर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2/3 से इसको इंटू कर देना सिंपल इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 3x इंटू 2/3 प्लस 1 अपॉन 2x इंटू 2/3 इक्वल 6 इंटू 2/3। इसको 6 को भी इंटू करना मत भूलना, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 3 2 जा 6, तो ये जो हमारे पास अब बनेगी इक्वेशन ही बनेगी 2x प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 3x इक्वल्स 2 2 जा 4। तो अब देखेंगे कि आपके पास ही जो है ये सिंप्लीफाई हो गया है, अब कुछ नहीं बचा, इसमें क्यूब बोथ साइड करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, हम कर देते हैं, क्यूब बोथ साइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए क्यूब, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब यानी 27x क्यूब प्लस 3a, ए है 2x प्लस बी 1 अपॉन 3x इंटू है, सॉरी है ब्रैकेट में a प्लस बी 2x प्लस 1 अपॉन 3x इक्वल्स 4 का भी क्यूब, यानी 4 का क्यूब होता है 64। इसको सिंप्लीफाई करना है, ये x से x कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू जो है पूरी अपन को गिवन है 4। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं यहां पर, तो 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 27x क्यूब, ये तो हमको फाइंड करना था, 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 27x क्यूब प्लस यहां पर जो बचा है, यहां पे बचा 2 और कुछ नहीं बचा है मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू है 4, तो 2 इंटू 4 इक्वल 64, ठीक है। तो ये हमको चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम इक्वल्स के उधर ले जाएंगे, तो 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 27x क्यूब इक्वल 64 माइनस 4 टू जा 8। तो ये हुआ इसका सिंपल, और इसको लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 56। तो 56 इसका राइट आंसर है। तो ये काफी इजी होता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये स्टेप करने के बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप करेंगे, इसके बाद आपको ये स्टेप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस होते ही आपकी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है कि x इक्वल्स टू x प्लस 9 अपॉन x इक्वल्स टू 6, देन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर इज। तो अब तक जो हमने लास्ट के जो दो क्वेश्चन देखे उसमें देखा था कि x का जो है यहां पर स्क्वायर हो रहा है, तो यहां पर भी 9 का स्क्वायर होना चाहिए जो कि 81 होता है, और यहां पर नहीं आ रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, सिंपल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल के और उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x, इसका एलसीएम आएगा x, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 6x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल 0, ठीक है। तो ये हुआ इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म हो गया है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड होता है, एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, पर अभी मैं आपको प्रॉपर मेथड से बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है, आने वाली वीडियो में आपको जल्दी मिल जाएगी वो ट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 9, तो 9x स्क्वायर। अब जो है मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 9x स्क्वायर आए और प्लस करने पे माइनस 6x आए, तो 3x और 3x, यानी जब माइनस माइनस प्लस होते हैं तो प्लस होके साइन माइनस का रहता है, तो ये हो जाएगा 6x और मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 9x स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर, तो हम इसका कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x माइनस 3 और इधर से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3, तो दोनों में से आपका आंसर आ रहा है x इक्वल्स 3। तो बस ये आपका सिंपल सॉल्व हो गया। तो अब x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रख देते हैं, हमारे पास इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर, x है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर 9, ये कट के हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। तो ये तो हुआ इसका एक मेथड। दूसरा मेथड होता है, अज्यूम कर लेते हैं हम x की वैल्यू, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वो भी हो जाएगा, जैसे कि हम इसमें x की वैल्यू ऐसे रखें कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, 1 जैसे अब यहाँ पे 9 काटना पड़ेगा, तो आप अगर 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस 9 अपॉन 1 यानी 10 इक्वल सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 10 नहीं है, 2 रखेंगे नहीं क्योंकि यह पॉइंट में आ जाएगा, 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 अपॉन 3, तो ये 3 से कट के 3, तो 3 प्लस 3 6,
तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 3 मान लेते हैं। ये होता है लैट करने वाला मेथड, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अपने लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, तो अगर बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है, इफ पी इक्वल्स टू 999, देन वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 इज। तो ये हमसे इतनी बड़ी वैल्यू पूछ रहा है, तो बच्चे इसको देखिए काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको कुछ नहीं करना, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है एंड देन पी की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो गया एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर ले आप इसको, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट पी, जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p एंड प्लस 1, ये बचा इसका वैल्यू। अब आप इसको देखेंगे तो ये क्यूब की एक आइडेंटिटी बन रही है, जो कि हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, जो कि होती है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इस इक्वेशन को भी इसने, इस आइडेंटिटी को भी नेक्स्ट लेवल पे ले गया ये, और कर रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसको पहले से मल्टीप्लाई करके इससे कर दिया, तो ये हो गया 3a² b प्लस 3ab²। तो इसने ये आइडेंटिटी बना दी है। अब कैसे बनी है, ए क्यूब हो गया हमारे पास पी क्यूब, बी क्यूब हो गया 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3a² b यानी 3a², ए जो था पी था, ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर इंटू बी यानी 1 ही हो गया, और ये भी 3ab² a, तो ये हो गया। ठीक है, तो हम इसको जो लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यूब रूट, तो ये हो गया पी प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, ये आइडेंटिटी बन रही है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। अभी क्यूब से क्यूब रूट हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर में बचा वो बचा पी प्लस 1, तो पी की वैल्यू गिवेन है 999 प्लस 1 इक्वल्स टू 1000, इसका राइट आंसर है। काफी इजी है, सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे वीडियो के 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अब लास्ट जो बात बचती है वो बचती है अपनी होमवर्क क्वेश्चन की। काफी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। तो आज का जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन है वो है, इफ x² - 2x + 1 इक्वल 0, ठीक है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ इज इक्वल्स 2, ये आपको बतानी है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा ये। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द कमेंट करके इसका आंसर दें, सॉल्व करें, ताकि मुझे भी पता पड़े कि हाँ आपको ये मेरी वीडियो समझ आ रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप इसको #SuccessTricks96 नाम से भी सर्च कर सकते हैं।